कैसा पीलू आकर है? अरे कहाँ कहाँ से चल रहे हो तुम घुटने में दर्द? घुटने में दर्द और कहाँ दर्द हो रहा है तुम्हें? सर में और कहाँ, पता नहीं आई जस्ट चेकिंग। वैसे अभी तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर हमें दम लगा के हैशा का पोस्टर बनाना पड़ा तो शायद तुम्हें मेरे ऊपर चढ़ना पड़ेगा। और जाओ अपनी बीवी से, मुझे शुक्र नहीं मिल रहे। अगर तुम्हारी कॉमेडी हो गई तो हम अगले अवार्ड्स की तरफ बढ़े। Welcome back, ladies and gentlemen, to Lux Zee Awards, co-powered by Fevicol and Dabur Red Paste. वैसे तुम सब एक्टर्स को देखकर मुझे ना कभी कभी लगता है कि अगर मैं डायरेक्टर नहीं होता तो जरूर एक एक्टर होता। करण, मैंने तुम्हारी एक्टिंग देखी है, तुम डायरेक्टर ही ठीक हो। You mean मैं एक्टिंग अच्छी नहीं करता? नहीं नहीं, मैंने ऐसे कब कहा। तुम बहुत अच्छे एक्टर हो, तुम कमाल के एक्टर हो। और ये जो फिल्म आई थी, द लेजेंडरी फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें तुमने काम किया था और तुम्हारे काम को देखने के लिए तो लोग आ रहे थे। वहाँ पे शाहरुख खान, कजोल, वो तो ऐसे ही थे। They all came for you. It's still running because of you, Karan. It's all you, you, you. I feel that also. Bombay Velvet देखी? नहीं, मुझे बॉम्बे का वेलवेट नहीं अच्छा लगता। दिल्ली के वेलवेट के अंदर वैरायटी थोड़ी ज्यादा होती है। मैं अपनी फिल्म की बात कर रहा था, किसी फैब्रिक के बारे में नहीं। ओ, तुम्हारी फिल्म बॉम्बे वेलवेट? हाँ, मैंने देखी है। यही तो प्रॉब्लम है, तुमने देखी, शाहरुख ने देखी, काजल ने देखी, माधुरी ने देखी, जूही, श्रीदेवी, ऐश्वर्या सब ने देखी, फिर पिक्चर चली क्यों नहीं यार? अरे जाने तो यार करण, वो क्या है ना, कई बार बहुत सारे ऐसे शोज होते हैं जिनकी यू नो कंटेंट बहुत अच्छा होता है, फिल्में बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनकी टीआरपीज नहीं होती हैं। तुम बस क्वालिटी पर फोकस करो, डायरेक्शन पर फोकस करो, है ना। तुम वो करो जो जिसमें तुम अच्छे हो, और मैं एक्टिंग पर फोकस करता हूँ, है ना। नहीं तो डायरेक्शन के ऑफर्स तो मुझे आते रहते हैं तुम्हें। डायरेक्शन के? हाँ, आसान है क्या डायरेक्ट करना? इसमें बड़ी बात क्या है, यू हैव टू से लाइट्स, कैमरा, एक्शन, बीक में सारा काम एक्टर करता है, और एंड में तुम्हें कटी तो कहना, इट्स रियली सिंपल। वाह, बस इतना बोलने से अगर डायरेक्टर कोई बन जाए तो गली गली का बच्चा डायरेक्टर बन जाता। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहीं पर डिसाइड कर लेते हैं कि कौन कितना अच्छा डायरेक्टर है, कौन कितना अच्छा एक्टर है। तुम एक्टिंग करो, पता चल जाएगा तुम कितने अच्छे हो। मैं डायरेक्शन करता हूँ, पता चल जाएगा कि मैं कितना सुपीरियर हूँ। और एक सिचुएशन बनाते हैं। ओके, सो सिचुएशन ये है कि करण जौहर बाप से लड़की का हाथ मांगने जा रहे हैं। मैं? जी, बाप की कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हाँ, आपकी कास्टिंग हो चुकी है। ओके, हाँ, बाप की कास्टिंग के लिए हम रोहित शेट्टी को लेते हैं। रोहित शेट्टी, वो देखिए, रोहित शेट्टी बैठे हुए हैं। रोहित शेट्टी बाप हैं, आप जाके उनसे उनकी बेटी का हाथ मांगिए। पागल हो गए हो? रोहित शेट्टी का साइज देखा है क्या? गाड़ी ना मांगू रोहित शेट्टी से, लड़की का हाथ क्या मांगूंगा? देखा है, मार डालेंगे मुझे। यू वॉन्ट टू चेंज द कास्टिंग? दिस इज द प्रॉब्लम विद एक्टर्स। ठीक है, कास्ट चेंज करते हैं। अक्षय कुमार सर फादर हैं, आप बेटी का हाथ मांगिए। तुम बाकी थोड़ा ऑफ हो गए हो। क्या हो गया? इतने फिट और फैबुलस बाप होते हैं क्या? इज द सन इन लॉ इज लुकिंग लाइक दामाद लग रहे हैं, वो कहां से बाप लग रहे हैं? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट चेंज, आई डोंट लाइक दिस कास्टिंग। ठीक है, एक काम करते हैं कि ये बाप का चक्कर ही निकाल देते हैं, भाई और बहन। ओके, एंड फॉरगेट द ऑडियंस, मैं भाई हूं, मेरी बहन का हाथ आप मुझसे मांगने आएंगे। आइए। ओके, लाइट्स, कैमरा एंड एक्शन। करण, मैं तुम्हारी बहन से बहुत प्यार करता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं। What? मैं तुम्हारी बहन से बहुत प्यार करता हूं, उसे शादी करना चाहता हूं। तो पूरा मोहल्ला मेरी बहन से प्यार करता है, तो पूरे मोहल्ले की शादी करवा दूं उससे? मैं ना इश्क वाला प्यार करता हूं। What? दिल से प्यार करता हूं, हर जगह से प्यार करता हूं। तुम श्योर हो ना तुम मेरी बहन से ही प्यार करते हो? करण, मैं बहुत ही काबिल इंसान हूँ। अच्छा, आई वर्क इन द प्रिंट मीडिया। अच्छा अच्छा, तो तुम प्रिंट का काम करते हो? जी। एक बार पहले भी लड़का आया था, बाद में पता चला कि वो सुबह में अखबार बेचता था। मैं भी बेचता हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं अखबार बेचने वाले की शादी अपनी बहन से कराऊंगा? कट कट कट, दिस वॉज वेरी बैड करण, आई एम सॉरी, यू फेल। कोई और भाई है क्या? व्हाट आई मीन, जिससे मैं बात कर सकूं? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ कि कैसे होनी चाहिए एक्टिंग। ओके, कम ऑन। ओके, मैं भाई हूँ, तुम्हारी बहन। एक्शन। भैया, मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। भैया, सिर्फ बहन से? हाँ भैया, मुझे सिर्फ बहनों में इंटरेस्ट है। भैया, वो नहीं शादी कर सकती। क्यों? क्योंकि उसका रिश्ता ऑलरेडी पक्का हो चुका है। क्या बात कर रहे हो, मेरे बच्चे की मां बनने वाली है।
चुड़ैल मैं प्रेगर्स या शी प्रेगर्स कब शादी करना चाहोगे कट 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 देखा इसे कहते हैं गुड एक्टिंग इमीडिएटली कन्विंस हो गए तुम हाँ वेल डन यस अब समझ आया मुझे शाहिद के एक्टर जो होते हैं वो कुछ भी करके अपनी बात मनवा ही लेते हैं दिस इज ट्रू इसलिए तुम डायरेक्शन पे ध्यान दो और मैं एक्टिंग पे ध्यान देता हूँ फिलहाल तो मुझे लग रहा है हमें शो पे ध्यान एंड गिव इट अप लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर नन अदर देन अर्जुन कपूर तुमने तो कमाल का डांस किया इस रेड हाई हील्स में क्या कमाल के नाचे हो बट आई हैव वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क यू कि तुम करीना कपूर के हील्स में क्या कर रहे हो एक्चुअली मेरी अगली फिल्म आ रही है की एंड का जो बाल्की सर ने डायरेक्ट किया जी बिल्कुल तो उस फिल्म में मैं एक हाउस हस्बैंड प्ले कर रहा हूँ तो इसीलिए हाउस हस्बैंड हाँ ये हाउस हस्बैंड क्या होता है नहीं, जैसे हाउस वाइफ होती है वैसे हाउस हस्बैंड होता है फर्क सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पे घर पति संभालता अच्छा व्हाट एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मतलब तुम फिल्म में वाइफ वाले सारे काम कर रहे हो इसीलिए ये सैंडल में घूम रहे हो तुम सैंडल की बात कर रहे हो मैंने तो फिल्म में मंगलसूत्र भी पहना हुआ है रियली अच्छा तो एक पर्सनल सवाल है पिक्चर हॉल में लेडीज बाथरूम में जाते हो या जेंट्स में अंदर की बात है मैं नहीं बताता ये तो बता दो कि बच्चों की डिलीवरी भी तुम ही करोगे या बात वो हम अगले फिल्म में डिसाइड करेंगे ना अभी तक बात नहीं की इतनी प्लानिंग नहीं की आगे की थैंक यू अनिल जी आप कहीं मत जाइए सर वापस आइए सर प्लीज प्लीज वी नीड यू तुम लोग से मुझे बहुत डर लगता है बीच में आइए सर आप प्लीज सर सेंटर में आइए ना सर प्लीज कैसे हैं सर आप हाउ आर यू सर अनिल जी हाउ आर यू सर अरे यार ये एक तो ये सर सर बोलना बंद करो यार ऐसा लगता मैं तुम लोगों को केमिस्ट्री की ट्यूशन देता हूँ जस्ट कॉल मी अनिल अनिल सर कैसे हैं आप यू नो आई एम हैंडसम यू नो हैंडसम कुछ चेंज नहीं हुआ Of course, कुछ नहीं चेंज हुआ लेकिन आप यंगस्टर्स को जब ये अवार्ड देते हैं तो आपको कैसा लगता है देखो एक यंगस्टर जब किसी यंगस्टर को अवार्ड देता है तो यू नो यू फील इंस्पायर्ड एंड इट्स लाइक अ हेल्दी कॉम्पिटिशन यू नो एंड यू फील यंग यस सॉरी बट पार्डन सर आप कब से यंगस्टर बन गए फर्स्ट डे से यंगस्टर जब पैदा हुआ था मैं यंगस्टर था यंगस्टर हूँ और मरते दम तक मैं यंगस्टर रहूंगा लेकिन सर ये कैसे पॉसिबल होगा क्योंकि आपकी फिल्में देख देख कर तो शायद बड़ा हुआ है जवान हुआ है ये सही है सर तो क्या मेरी फिल्म नहीं देखता तो ये जवान नहीं होता मेरी फिल्म में तो सिर्फ एक्टिंग होती है एक्टिंग हाँ करेक्ट सर एक्चुअली आपकी एक्टिंग जो होती है फिल्मों में वो एक्टिंग देख देख कर ही मैं बड़ा हुआ हूँ तो शानदार से पहले किसकी एक्टिंग देखी शानदार के पहले सर वो आप करण से पूछे उन्होंने प्रोड्यूस की थी सर नहीं मीन सर आप हमारे सीनियर हैं सीनियर हमारे बुजुर्ग है हमारे जी जी बिल्कुल देखिए शायद का तो मैं सीनियर हो सकता हूँ जी मगर किस एंगल से मैं तेरा सीनियर लग रहा हूँ तुम तो उम्र में मेरे कितने बड़े हो चल शायद मेरे दोस्त आजा करण चाचा का हम आशीर्वाद लेते हैं अरे बुजुर्गों का आशीर्वाद हेलो हेलो सर मैं चलिए आपसे छोटा हो गया लेकिन सोनम के बारे में तो आप नहीं कह सकते उनके तो बाप लगते हैं ना आप आप सीनियर हो आई नो बट एनीवे सीनियर आई मीन जूनियर गुस्सा क्या सीनियर लगा रखा है ये सीनियर क्या लगा रखा है क्या मुझे ये बॉलीवुड से मुझे क्या पेंशन मिल रही है क्या रिटायर हो चुका हूँ बॉलीवुड से पेंशन मिल रही है या किसी फिल्म में मैंने शोरा मोदी के बाप का रोल किया नहीं सर ऐसा बिल्कुल नहीं सर सॉरी सर सॉरी सॉरी सर ये अंग्रेज लोग ने तुम्हें सॉरी सिखा दिया हाँ और तुमने रट लिया सॉरी अगला अवार्ड है बेस्ट गुड इवनिंग एवरीबॉडी आई डिड नॉट थिंक दैट आई वुड बी कमिंग ऑन स्टेज सो Hence the dress and please don't call it Swachh Bharat. I've heard it a lot of times. No, no, bilkul nahi. Main to khush hoon dekh ke. Thank you, colors, for acknowledging the fact. And yes, I've taken the footage for my dress. Thank you. Good night. ये मेरे को बस एक ही बात पूछनी है. ये जो आपने white फूल लगाए, इनका पतझड़ आता है कभी मतलब? लेकिन नहीं मुझे आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लगी आपको पता है क्योंकि यहाँ पे इतनी ठंड है बंदा होता है कि ऐसे करके बात कर ले कि जोरदार तालियां निया के लिए
नहीं मेरे को एक बात बताएं। नहीं अरे वो नहीं नहीं तू कहीं ज्यादा अंदर चला गया तो आओ निया मैं आपको छोड़ के आऊँ। एक मिनट मैंने मच्छरदानी में सोना छोड़ दिया। चल हट आओ निया मैं आपको नीचे छोड़ के आऊँ। एक मिनट यार चार बच्चों की ड्रेस घंटा इस लड़की ने लगा दिया। ओए ड्रेस पड़ जानी उसकी आई। अरे वाह इसको ज्यादा कोई साफ करने नहीं आएगा हो गया। इसको एक एक चक्कर मलाड का मार दे वहाँ बहुत गंद हो रखा है। आए प्लीज ये पूरा थान बांध दिया डिजाइनर ने गलती।